29th क्वेश्चन है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑफ द होल अमाउंट विल बी चार्ज। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली हम लिख लेंगे 6.5। बहुत पहले आपने पढ़ा भी होता है, ये बच्चे इस चार्ट को याद भी करते हैं। मैं एक चार्ट के ऊपर सेपरेटली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे ईजी हो जाए, मगर कुछ अगर न्यू स्टूडेंट जिनको दिक्कत हो रही है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें ध्यान देना होता है कि फर्स्ट इन ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचते हैं और आखिरी के बाद कितने मंथ आपके पास बचते हैं। तो क्वेश्चन में देखो दे रखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे, बिगिनिंग हो गया तो 12 महीने बचेंगे। उसके बाद आखिरी कब होगा, वो दिसंबर के स्टार्टिंग हो जाएगा अगर हम कैलेंडर ईयर लेते हैं, तो आखिरी महीने में कितने महीने बचेंगे, फिर एक, तो इसका मतलब कितना हो गया, टोटल 13, और फॉर्मूला यही होता है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 13 बाय 2 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 6.5। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कितने महीने बचते हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने, उसमें आप ऐड कर दीजिए एंड कि ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचते हैं, क्योंकि दो थे तो यहाँ पर हम इस पे एवरेज ले लेंगे। मैं एक इस पे एक सेपरेट वीडियो भी आपको मंथ कैलकुलेशन का अटैच कर दूंगा जो कि आपको काफ़ी इजी लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इन द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे। बेटा यहाँ बिगिनिंग की बात हो रही थी तो यहाँ पर लास्ट डे की बात हो रही है, तो इस लास्ट डे के लिए हम डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी पर आ जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 31 पर इफ राम विड्रू 10,000 ईच मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो अब इंटरेस्ट किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहां राम ने विड्रू किया 10,000 ईच मंथ, हर एक महीने पर सेम वैल्यू उसने ड्रॉ करी, तो ऐसी कंडीशन में आप इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 55। कैसे 55 सर आ सकता है, तो बेटा देखो ना इस जगह गिवन है लास्ट डे, और अभी भी आपने देखा लास्ट डे पे कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, 5.5 मंथ्स, तो 5.5 मंथ्स का हम कैलकुलेशन करें। अब आप चाहेंगे सर इसको एक बार लिख कर दिखा दें, तो बेटा ईच मंथ की बात हो रही है 10,000, हम फुल ईयर में फिर बेटा इसके ऊपर कितना कैलकुलेट करते हैं उसको देखें, तो फुल ईयर पे इसकी वैल्यू हो गई 10,000 इंटू 12 करें तो 1,20,000 हमारे पास वैल्यू हो जाती है, और 1,20,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की परसेंटेज से, क्योंकि 10% दे रखा है, ये हर बच्चा कर लेता है। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी जब मंथ की बात हो, तो मंथ पे ध्यान दीजिएगा कि 5.5 के ऊपर हम मंथ की बात करेंगे और डिवाइडेड बाय 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 5500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च हरी विड्रू 60,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9% पर एनम, तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे विड्रू दे दिया गया है 60,000 और पीरियड नहीं दे रखा है कि स्टार्टिंग में है कि एंड में है, तो ऐसी कंडीशन में जब पीरियड ना दे रखा हो कि एंड में मिड में है, तो हमेशा परसेंटेज का हम हाफ कर देते हैं, मतलब 6/12 का फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो यहां पर 32 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 2700 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33, ओम विड्रू ए फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्वेश्चन की बात कर रहा है क्वार्टर के लिए, तो क्वार्टर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मंथ समय ध्यान देने चाहिए, तो अमाउंट नहीं कहा गया है, तो ये 33 का ए आंसर हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट है 34, अनु विड्रू ए फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड, ये बेटा एंड की बात हो रही है, तो जब हम एंड के ऊपर जाएंगे करने के लिए तो इस पे हम मंथ लेते हैं 4.5। फॉर्मूला हर बार वैसे ही लगेगा कि फर्स्ट के बाद कितना विड्रॉन बचा और एंड। नेक्स्ट है 35, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये 6 मंथ का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो जब हम 6 मंथ के ऊपर फार्मूले पे यूज करेंगे तब कितने मंथ हमारे पास होने चाहिए, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है बी, इसका आंसर होगा 3.5। नेक्स्ट है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 मंथ, यहाँ पे बिगनिंग था और ये 6 मंथ के एंड की बात हो रही है, तो जब हम एंड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो इसका मंथ लिया जाता है 2.5। नेक्स्ट है 37, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन 6 मंथ, ये किसके ऊपर आ गया बेटा, मिडिल के ऊपर आ गया,
तो मिडिल के केस में हम कितने मंथ्स को लेंगे, क्योंकि 6 मंथ है, तो 6 मंथ की एंडिंग का 3 आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 38, गोपी विड्यू 10,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अभी आपने पिछले 3 क्वेश्चन में देखा कि कितने कितने मंथ्स लगा के हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में 38 का आपका आंसर आएगा 2,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अमित विड्यू 10,000 एट द एंड, ये देखो बिगनिंग था ये एंड था, तो उसी मंथ्स को अगर हम लगा के कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,500। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं, किसी पर्टिकुलर के कैलकुलेशन वैल्यूज को लेके डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको इसको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सुमित विड्रू एट द बिगनिंग ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पर बिगनिंग की बात हो रही है, और ये भी ध्यान देना कि क्वेश्चन 6 मंथ का है, 12 मंथ का नहीं है। तो जब 6 मंथ की बिगनिंग पे 10,000 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 1,750। नेक्स्ट है 41, एट द एंड, ये एट द एंड है वो भी बेटा 6 मंथ है, 12 मंथ्स के लिए नहीं है। तो जब हम 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,250। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो एडजस्टमेंट इस क्लोज्ड अकाउंट का मतलब होता है पास्ट एडजस्टमेंट। अगर पास्ट एडजस्टमेंट हो करनी है तो क्या करेंगे, मतलब बुक क्लोज करने के बाद में कुछ हमारे पास मिस्टेक्स हो गई हैं। तो ए 42 का है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे आर फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिवली, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग दे फाउंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वॉज ओमिटेड। तो मिस्टेक क्या कर दी उन्होंने, 10% इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी को हम डेबिट करेंगे और सी को हम क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये से। अब आप डायरेक्टली कहेंगे सर इतनी जल्दी आपने बी को डेबिट और क्रेडिट कैसे कर दिया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा नहीं दे रखा है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि 3 लाख पे और 2 लाख के ऊपर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो 3 लाख का 10% अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा 30,000 हो जाएगा, और इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो टोटल जो हमारी मिस्टेक हुई वो कितने की हो गई, 50,000 की हमारी मिस्टेक हो गई, और इसी 50,000 को अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देना है, मतलब इक्वल कर देना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 का इक्वल करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 25,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 25,000। तो इसका मतलब देखो ये डिफरेंस 5,000 रुपीज का आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से ए के केस में भी 5,000 का डिफरेंस हो गया, बी के केस में भी 5,000 का डिफरेंस हो गया। तो एक प्रॉब्लम आपकी तो सॉल्व हो गई कि ये वैल्यू 5,000 है, इस तरह ये हमारा आंसर टिक हो जाता है। मगर अब आपके मन में आएगा सर वो तो ठीक है, मगर आपने बी को डेबिट क्यों कर दिया और सी को क्रेडिट क्यों कर दिया। तो इसका मतलब बेटा आप समझिए कि जिस जगह पर आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो क्या करते, क्रेडिट ही तो करते, मगर अब आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो अगर नहीं दिया तो आप क्या करिए, आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दीजिए। तो ए को आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, 5,000। तो जिस भी बंदे को दिया जाता है मतलब उसका कैपिटल इंक्रीज करता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और जो बंदा अपनी जेब से देता है उसका माइनस होता है कैपिटल, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी को देखिए कि कितनी वैल्यू थी, 25,000 जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब बल्कि बी को कितना मिलना चाहिए, 20,000। टू बी टू सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, देयर फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट दे फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था इंस्टेड ऑफ 6%। तो इसका शॉर्टकट तरीका कि आप 4% निकाल करके डायरेक्टली सॉल्व कर लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 10% निकालते हैं, फिर 6% निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंस पे बात करते हैं। डायरेक्टली जब आप इसका 4% कैलकुलेट करके डिफरेंस निकालेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा x डेबिट y क्रेडिट और वैल्यू 2000। नेक्स्ट 44,
मिनिमम गारंटी प्रॉफिट गिवन टू ए पार्टनर एक्स बाय ए पार्टनर वाई एंड जेड मींस। तो इसको समझिए कि इसका क्या मतलब है कि जब हम मिनिमम गारंटी दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो यहाँ पर एक्स जो पार्टनर है उसने दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, ये है डी। एक्स विल गेट मिनिमम गारंटी प्रॉफिट इन केस इधर लॉस और इनसफिशियंट प्रॉफिट। तो इसका मतलब है एक्स को गारंटी दे दी गई, किसी भी सूरत में आपको तो अपना शेयर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर चाहे लॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ए बी सी आर पार्टनर रेशियो 2:2:1, ये बेसिक रेशियो है। सी इज गिवन ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट 20,000 एवरी ईयर, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, तो इसका आंसर होगा बी 30,000 20,000। अब आप कहेंगे सर फिर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया, तो बेटा समझो यहां पर सी को गारंटी दी गई है, सी को गारंटी दी है, किसने दी है, ए और बी ने मिल करके दी है। तो जब सी को गारंटी दी तो ऐसी कंडीशन में जितना प्रॉफिट हो उसमें से जिस बंदे को गारंटी दी है उसका शेयर सबसे पहले आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। तो 20,000 की गारंटी दे दी गई, तो अब जो बैलेंस करके पैसा आता है वो बाकी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दीजिए। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 है, तो इसका मतलब हुआ इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 30,000 30,000, तो ये देखिए ए को कितना मिला 30,000, बी को कितना मिला 30,000 और सी को मिल गया कितना 20,000। अब आप ये कहेंगे अच्छा सर तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी एक पार्टनर को दिया जाए गारंटी, तो उसका शेयर लेस करके प्रॉफिट हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग रेशियो। नहीं, कंडीशन समझिए, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ही गारंटी से ज़्यादा हो तब तो हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी का मतलब समझिए, यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1/5 दे रखा है, तो 80,000 का 1/5 20,000 से कम आता है, 20,000 से कम सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए हम इस टेक्निक को लगा रहे हैं। अगर सी का शेयर 20,000 रुपए से ज़्यादा आता है प्रॉफिट में, मान लीजिए कि ये प्रॉफिट गिवन होता कितना 2 लाख, तो अगर 2 लाख होता तो 2 लाख का अगर हम 1/5 निकालते तो सी का शेयर 40,000 होता, 40,000। तो ऐसी हालत में सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते ये टेक्निक नहीं लगती। फिर से समझ लीजिए, टेक्निक तभी लगेगी जब शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पी क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म रेशियो 3:2:1, पी हैज गिवन गारंटी टू आर दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 15,000। तो यहां पर क्यू साइलेंट है, जब क्यू साइलेंट है तो क्यू को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ फर्म अर्न 60,000 ड्यूरिंग द ईयर तो पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो 46 में आंसर आपका होगा सी, डायरेक्टली निकालिएगा शेयर, 15,000 माइनस कर दीजिएगा 60,000 में से, जब वैल्यू निकालेंगे तो गारंटीड अमाउंट लेस करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो बेटा कैलकुलेट करने का मतलब समझिए, गारंटी किसको दी गई है, आर को गारंटी दी गई है, और प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में कितना है, 60,000 है, तो सी 60,000 में अगर हम आर का शेयर निकालें तो देखिए आर का शेयर कितना होता है, आर का शेयर कितना दे रखा है, 3:2:1 दे रखा है, तो इसका मतलब है इसका शेयर कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो जब हम 60,000 के ऊपर 1/6 से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आर को 10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, जब बल्कि गारंटी कितने की दी गई है, 15,000 की, तो 15,000 की गारंटी है, 10,000 उसको मिल रहे हैं, तो उसको डिफिशेंसी कितने की हो गई, बिल्कुल ठीक माइंड में आया, 5,000 रुपये की। इसका मतलब है कि आर को 5,000 रुपये कम मिल रहे हैं, तो ये 5,000 कौन देगा, दिस 5,000 इज गिवन बाई पी, पी अपने शेयर में से दे देंगे। तो 60,000 में से अगर हम पी का शेयर निकालें तो पी का शेयर बेटा कितना होता है, 3/6 होता है, मतलब हाफ होता है, तो 60,000 का हाफ शेयर कितना हो गया, 30,000 हो गया। 30,000 में से पी अपने पास से 5,000 अगर दे देंगे तो कितना बचेगा, 25, ही तो बचेगा 25, इसलिए मैंने इसका आपको आंसर सी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स ड्रू फिक्स्ड अमाउंट, कितना उसने विड्रू किया एट द बिगनिंग,
ऑफ ईच मंथ इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स अमाउंट 3,910% पर एनम, तो आपको इसमें उसकी मंथली ड्राइंग्स निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन रिवर्स मोड में आता है और इसका आंसर होगा 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पार्टनर्स क्यू ड्रू फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% ऑन द अमाउंट 2200 मंथली ड्राइंग, पूरा फॉर्मूला इसमें लिखा जाता है तब जा करके इसका आंसर आता है और इसका आंसर होगा 5,000। सर एक बार फॉर्मूला पूरा करके बताते हो बेटा, समझो, देखो मैं लिख के बताता हूँ। पार्टनर्स जो पार्टनर क्यू है उसने ड्रू किया फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब कितना अमाउंट उसने विड्रॉन किया ये हमको नहीं पता है, यही क्वेश्चन में निकालना है। पता होता तो हम क्या करते, अमाउंट लिखते, अमाउंट के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते, कितने से, 8% से मल्टीप्लाई करते, फिर इसके बाद में कब दे रखा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ दे रखा है, तो अगर एंड ऑफ द ईच मंथ है तो फॉर्मूले में हम कितने मंथ लेते, 5.5 मंथ लेते, तो 5 मंथ लेकर 12 से डिवाइड करा तो इक्वल कितना आंसर आया, 2200। ये अब इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका ये अमाउंट का आंसर डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राम विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग, अब देखो यहाँ पे कितना उसने लिया, एट द बिगनिंग हो गया, सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और इस क्वार्टरली ड्राइंग, यहाँ क्वार्टरली दे रखी थी, यहाँ पर देखो क्वार्टरली नहीं दे रखी है, जब कोई ऐसा नहीं दे रखा तो हम उसको मंथली लेते हैं और मंथली यहाँ गिवन है, जब क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका आंसर आएगा 24,000। नेक्स्ट है 50, सुमित विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग ईयर इफ इंटरेस्ट इज ड्राइंग 10% पर, इंटरेस्ट दे रखा है और अमाउंट उसका दे रखा है 45,000 और क्वार्टरली, तो यहाँ फॉर्मूला आपको लगाना है और क्वार्टरली के हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप आएगा C, 30,000।